और अब शुरू हुआ है ऑफ रोड, तगड़ा वाला ऑफ रोड है। मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है ऑफ रोड ही ऑफ रोड दिख रहा है। और पता है इस रोड की सबसे अच्छी बात क्या है अभी के लिए? पानी नहीं है अभी यहाँ पे। अगर पानी होता ना तो दिखता भी नहीं नीचे कि कितना गहरा है क्या नहीं है, कहीं भी फंस सकते थे। तो ये एक अच्छी कंडीशन है, इसे बुरी कंडीशन बिल्कुल नहीं कहेंगे। और नज़ारे भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि रोड ख़राब है तो नज़ारे भी ख़राब। रोड कैसे भी हो, नज़ारे हमेशा से अद्भुत। लद्दाख है ये, लद्दाख नज़ारों के लिए फेमस है। तो इसको धीरे धीरे आराम से क्रॉस करेंगे, हड़बड़ी किसी बात की नहीं है। अपना आराम से चलते रहने का, आराम से निकलती चली जाएगी। स्कूटी हल्की होती है पता है आपको, इसलिए जल्दी फंसती नहीं है, आराम से निकलती चली जाती है मक्खन की तरह एकदम स्लोली स्लोली। बस धचके ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इसका सस्पेंशन बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इस रास्ते में पता है एक अच्छी बात क्या है, ये हमें एक्सपीरियंस दिलाएगी मनाली का, क्योंकि मनाली वाला रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। क्या हुआ भाई? अच्छा कोई बात नहीं, ये दिक्कत होती है बस पिलियन के साथ, चढ़ाई जैसे ही आती है ना उतारना पड़ता है, उसमें ऊपर से ऑफ रोड है तो डबल दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यही बुलेट होती है, 150 cc की बाइक भी होती है तो भी चल जाता, बट स्कूटी यार इतना नहीं झेल पाती है, छोटे टायर होते हैं, सस्पेंशन भी अच्छा नहीं होता है, पावर भी कम होती है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ नुकीले पत्थर भी हैं, तो अगर ज़रा सी गलती हुई ना काम गड़बड़ हो सकता है। अपने पास वैसे सब कुछ है बट फिर भी क्यों रिस्क लेना, फालतू का रिस्क नहीं। ओ बच गया बच गया बच गया, चली गई थी अभी गर्त में, बच गया। यही दिक्कत है बस छोटे टायर में, तुरंत फिसलता है, तुरंत स्लिप करता है, और इतना ढीले पत्थर देना यहाँ पे स्लिप कर गया। हल्का सा अगर आपने गलती की तो यहाँ पे कई भैंस पानी में, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से निकालना है बस एकदम धीरे धीरे। और आगे वाटर क्रॉसिंग भी दिख रही है, तो देखते हैं वाटर क्रॉसिंग का कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आई होप कि अच्छा ही रहे, दिक्कत ना हो। क्या खतरनाक क्रॉसिंग थी, एकदम चिकने पत्थर थे, जूते भिगा दिए। जूते काहे भिगाएगा, गम्बूट पहना है अपने ने, जूते नहीं भिगा पाया। अरे नहीं नहीं मैंने गम्बूट पहन लिया था पहले ही। ओ अभी ओ गलत रास्ते से आ गया मैं, उधर वाला रास्ता लेना चाहिए था, बट कोई ना अब तो आ गया मैं, क्या कर सकते, पीछे बता देता हूँ अभी भाई लोगों को ताकि वो गलत रास्ता ना लें। तो ठीक भाई तो पीछे ही आ रहे हैं, उनको बता दो। और थोड़ा ऑफ रोड करने के बाद अब थोड़ा अच्छा रास्ता भी आ चुका है। और भाई साहब नदी कलर देखिए आप, एकदम ग्रीन, क्या मस्त लग रहा है यार, गजब का नज़ारा है, गजब का, क्या बात है। एकदम जस्ट बगल पे नदी चल रही है श्योक रिवर, और यहाँ अभी क्या यार अभी पीछे रुक गया, 10-15 मिनट वहाँ लगा दिए, अदरवाइज यहाँ रुकना चाहिए था, मस्त फोटो आती, वहाँ भी फ़ोटो खींची है, बट यहाँ यार अलग ही सीन है, मस्त यार एक नंबर एक नंबर। अभी रुकते हैं कहीं पे यहाँ पे यार, रुकने वाली जगह है, यहाँ भी फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे। और फ़ोटो देखना है आपको तो इंस्टा में फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए आपको, तो इंस्टा मेरा है नोमैडिक स्कॉर्पियन नाम से ही, तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं,
फ्री है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी फोटो दिख जाएगा आपको, कोई प्राइवेसी नहीं लगाई मैंने, समझे मित्र। रुकते हैं यार यहाँ पे कहीं पे, वो देखिए क्या मस्त सीन है यार, मतलब गोवा वाला बीच टाइप का फील आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए है ना मस्त। रुकते हैं भाई, लोग भी रुक गए अब तो रुकेंगे यार। क्या बात है, क्या नजारे। ये देखिए कलर, एक कलर ये, दूसरा आगे, तीसरा वहाँ और चौथा वहाँ, चार कलर हैं अभी प्रेजेंट में, पांचवा उधर देखिए, पांच पांच कलर देख देगा, सोचिए पेंगोंग कैसी होगी, वो तो दिन भर अपने कलर बदलती है। If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. रास्ते भले ही कितने खराब हों बट यार सीनरीज इतनी अच्छी अच्छी दिखती है ना आपको इस रास्ते में, कि आपका मन नहीं भरेगा, आप फोटो खींचते जाओगे वीडियो बनाते जाओगे, ऐसी जगह है ये। रास्ता आप देख ही रहे हैं कितना खतरनाक कितना खराब है, बट नज़ारे उतने ही अच्छे हैं मित्र, आप खुद को रोक नहीं पाओगे यहाँ फोटो खींचने के लिए, हर 5 से 10 मिनट में आपको रुकना पड़ेगा। ये देखिए नदी अब गायब हो चुकी लेफ्ट साइड से, और सामने क्या खतरनाक नज़ारा है यार, ऐसी सीनरीज अगर दिख जाए ना दिन अच्छा हो जाए। अब फिर से ऑफ रोड आ गया, क्या कर सकते हैं, निकालना तो वही है ना। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और कई जगह मैंने ऐसा देखा कि रोड तो बनी हुई है बट उसके ऊपर, पूरी रोड के ऊपर ऐसा ही पूरा पहाड़ों का मलबा का ढेर लगा पड़ा है, तो शायद ये भी दिक्कत हो सकती है कि रोड साफ करते हो इसके बाद फिर मलबा आ जाता हो, फिर से रोड ख़राब हो जाती हो, तो ये भी हो सकता है। ये रास्ता पूरा मनाली वाले रास्ते का एक्सपीरियंस यहीं दिला देना चाहता है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, इतने नुकीले पत्थर, चिकने पत्थर, छोटे बड़े हर तरह के पत्थर हैं इस रास्ते में, हालत ख़राब हो गई, मतलब पिछवाड़ा कल्ला आ गया है मेरा, कमर दर्द करने लगी है। सही है, इसका भी एक्सपीरियंस अभी ले लें ज़्यादा अच्छा है, ताकि आगे दिक्कत ना हो जब मनाली के लिए निकलें, इसका भी इतना ही मज़ा है भाई। और फिर से एक ऑफ रोड पैच आ चुका है, और ये अब तक का चौथा या पांचवा ऑफ रोड पैच है दिशकित से लेके यहाँ तक में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए रोड की कंडीशन कैसी होगी। और ये ऑफ रोड पैच की मैं बात कर रहा हूँ, लैंडस्लाइड जोन है वो अलग है, रॉक पेल्टिंग जोन वो अलग है, वो ऑफ रोड इतना है यहाँ पे, मतलब इस रास्ते पे फुल ऑफ रोड आपको मिलने वाला है, और हर तरह के पत्थर मतलब मिलेंगे रास्ते में, तो इसलिए थोड़ा संभाल के चलें और केयरफुली चलें। बाकी नज़ारे देख ही रहे हैं सामने कितने मस्त हैं, दूर दूर तक मतलब आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पहाड़, नदी और ये ऑफ रोड, और कुछ भी नहीं, इसी का एंजॉय करते हुए आपको चलते चले जाना है, रेंगते रहना है, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम नहीं करना है, जल्दबाजी किए नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। और ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और आ गई कुद्दू सी, इसको भी आराम निकाल लेंगे, ये शाबाश निकल गई आराम से एकदम मस्त मक्खन की तरह। बढ़ते हैं अभी, देखते हैं कहाँ तक ये रास्ता ख़राब है। और ये देखिए जो रोड की बात मैं कर रहा था ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रोड दिख रही है बट पूरी ढकी हुई है मलबे से,
तो हो सकता है जब बारिश होती हो या फिर ग्लेशियर मेल्ट होते हो तो सारा मलबा रोड के ऊपर आ जाता होगा, तो इस वजह से इस रोड को ना साफ़ किया जा पा रहा है ना मेंटेन किया जा पा रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है। शायद इसी वजह से ये रोड मेंटेन नहीं है, क्योंकि नदी एकदम पैरेलल चल रही है अपने, और नदी का पानी जब ओवरफ्लो होता होगा तो पूरा रोड पे आ जाता होगा, तो शायद इसी वजह से ऐसी दिक्कत होती हो, ना मेंटेन हो पाती हो। तो बीच बीच में अच्छी रोड भी आ जाती है जहाँ पे थोड़ी हाइट है नदी के लेवल से ऊपर है रोड, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जहाँ पे लेवल पे है रिवर के वहाँ पे दिक्कत है। और ये फिर देखिए एक ऑफ रोड पैच आ गया, मतलब दोनों तरफ ढेर लगा हुआ है मलबे का और बीच में रास्ता काट दिया गया, ट्रेल बना दी गई है, क्या पता नीचे रोड हो। और एक और चीज़ मैंने देखी है, मोस्टली अभी तक जहाँ भी मैं गया हूँ तो रिवर का जो फ्लो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही नदियाँ, और जो श्योक का फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब जस्ट अपोजिट है ना मस्त चीज़। ऐसा क्यों है ये नहीं पता मुझे, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, घर पे जाके इसको अभी एनालिसिस करूँगा कि ऐसा होता क्यों है। पहले ये ऑफ रोड ख़त्म हो जाए यार, ऑफ रोड मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार, आज गजब का ऑफ रोड है, सारा एक्सपीरियंस यहीं दिला देगा लग रहा है आज, कमर टूट जाएगी पेंगोंग पहुँचते पहुँचते, देखते हैं क्या होता है आगे। और ये है ट्रांस हिमालयास पर्वत राज हिमालय, भोलेनाथ की ससुराल, मस्त। बोला था ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नज़ारे एकदम ताबड़तोड़ होते जाएंगे, ठीक वैसा ही हो रहा है। अभी तक पीछे थे तो माउंटेन पीक बहुत छोटी छोटी दिख रही थी, और अभी देखिए सामने सारी माउंटेन पीक दिखने लगी हैं लगभग, और जैसे जैसे और आगे बढ़ें क्या पता नज़ारे और चेंज होते जाएं। बगल में श्योक रिवर, क्या मस्त पानी लग रहा है, रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना स्काई का गजब का लग रहा है यार, मस्त एकदम। और श्योक यहाँ से मात्र अब 1 किलोमीटर रह गया है, तो पहुँचते हैं जल्दी से श्योक में। तो फाइनली श्योक पहुँच गए हैं, और पीछे भाई लोग अभी आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं, और नज़ारे टोपी उड़ रही, चलाते टाइम गर्मी लग रही थी और अब ठंडी लग रही है ना मस्त नज़ारे। सामने देखो यार अलग ही लगता है, आप लोगों का हरा नीला पता नहीं क्या क्या दिख रहा होगा, बट मुझे नीला सफ़ेद भूरा काला ये दिख रहा है केवल, आप लोगों को हरा भी दिख रहा होगा, मुझे भी कैमरे में हरा हरा लग रहा है, ऐसा है कुछ, रुको थोड़ा, हाँ अब सही है, अब नीला सफ़ेद दिख रहा है, अब मुझे जो दिख रहा है वही आपको दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा था, पल पल में चेंज होता है, भांति भांति में चेंज होता है। तो अभी आ जाएं भाई लोग, तब तक थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, अभी दुर्भुग जाना है, दुर्भुग से आगे थोड़ा जाना है। अभी भाई लोग आ रहे हैं, वो वहाँ पे है और एक वहाँ पे, और अभी पीछे एक बीआरओ का बोर्ड था, उसमें पता है क्या लिखा था, बीआरओ जहाँ जहाँ विकास वहाँ वहाँ, तो अपने विकास भैया इस समय कहाँ पेंगोंग में, और हम कहाँ जा रहे हैं पेंगोंग में, एकदम सही लिखा है, बीआरओ की रोड जहाँ जहाँ विकास भैया वहाँ वहाँ पहुँच चुके हैं। और बादलों का मूवमेंट इतना तेज है ना, साफ साफ पता चल रहा है, अगर इसका टाइम लैप्स लेना एकदम मक्खन की तरह आएगा। और पेंगोंग लेक 3 इडियट की वजह से बहुत फेमस हुई है, बट उसकी और भी बहुत सारी खासियतें हैं जो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा, तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, जिसने खाया होगा उसको पता है, और जिसने नहीं खाया वो पेंगोंग पहुँचने का इंतज़ार करे, उसको सब्र का फल मिलेगा, समझे मित्र, बहुत बढ़िया टेस्टी होता है एकदम मस्त, थोड़ा सब्र रखिए। और यहाँ की एक खास बात और पता है क्या है, पत्थर बड़े विचित्र टाइप के हैं, मतलब ऐसा लग रहा है तराश के रखे गए हों, कोई चिकना है, कोई एकदम फ्लैट है, कोई गोल है, कोई चौकोर है, ऐसे ऐसे शेप हैं, कौन तराशा होगा भगवान जाने, बट है मस्त।
सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा है, उसको तो पढ़ा ही देता हूँ क्या लिखा है, क्या पता कुछ अलग दिख जाए। आई एम करवेशियस, गो स्लो। और अब ये पहाड़ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एकदम सॉलिड पहाड़, बीच में नदी, सामने रोड, बगल में भुरभुरे वाले पहाड़, मतलब थोड़ा सॉलिड नहीं है, कमजोर वाले हैं, तो लैंडस्लाइड जोन भी है ये, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरने की भारी संभावना है, कभी भी कहीं से भी गिर सकते हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं इन्हें, कभी भी आ जाएंगे। और ये रोड पता है किस चीज की याद दिला रहा है, जब मैं ग्यू से ताबोक ले निकला था तो बीच में एक ऐसा रास्ता आया था, सेम ऐसे ही कैनियन टाइप का रोड था, बीच में हम चल रहे थे, बट ये थोड़ा हाइट पे है और वो थोड़ा नदी के पैरेलल चल रहा था, हाइट थी मतलब ज़्यादा नहीं थी, तो इतना ही अंतर है, बाकी सेम वैसा ही फीलिंग आ रही है अभी। और ये देखिए क्या मस्त लगता है यार ये फ्लैग, और ये आप भी लगा सकते हो, ये आपकी वेल विशेस के लिए और आपकी अच्छी जर्नी के लिए लगाए होते हैं। तो और यहाँ से हेयर पिन बैंड भी स्टार्ट हो गए, तो अब हेयर पिन बैंड का आनंद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, क्या पता कुछ और ताबड़तोड़ चीज मिल जाए, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा हर एक मोड़ पे मित्र, इसी का आनंद लेना। एकदम सीधी ढलान है भाई, एकदम सीधी ढलान है, आप शायद जज कर रहे होंगे कैमरे में, एकदम सीधी ढलान है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, एकदम बहती चली जाए, ब्रेक लगाए हूँ तब भी। और हवा का फ्लो इतनी तेज है ना, अभी सामने से एकदम भयंकर हवा चल रही है, और जैसे ही ये मोड़ से टर्न लूँगा हवा नहीं होगी, सबसे अच्छी बात यह है, देखा एकदम मतलब विंड ब्लास्ट ख़त्म हो गया है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बट बहुत हालत ख़राब होती है जब सामने से या साइड से हवा आती है, एकदम झोंके में आती है, लहरा देती पूरा, मैं भी सिंगल चेचिस, मेरा चेतक भी हल्का है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। और ये आगे एक आ गया लैंडस्लाइड जोन, अब यहाँ से भाई थोड़ा संभाल के आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, निमंत्रण की ज़रूरत नहीं, यहाँ कभी भी कहीं से भी लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा सेफ्टी से आगे बढ़ते हैं ध्यान देते हुए। इस रास्ते पे बिना देरी के निकल लियो चुपचाप, नहीं तो अभी यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा कच्चा पहाड़ ही है, और मेरी एच जे कैम की बैटरी डाउन हो गई है, तो अभी इसको लगाएंगे, और ये नया ब्रिज बन रहा है अभी, ये पुराना ब्रिज चालू है, और ये लोहे का है, लकड़ी का नहीं है, समझे गुरु। और रिवर दिखाते हैं आपको, इतनी धूल उड़ रही ना, इमेजिन करिए आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें एक प्लेन रोड है, बगल में आपके एक पहाड़ है, एकदम ऊंचा एकदम खड़ा, सामने आपके पहाड़ है, रोड के जस्ट बगल में एक नदी बह रही है जिसका पानी एकदम साफ है, नीचे पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं, ऊपर भी पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं, और वो नदी एक और नदी में आके मिल रही है, और मौसम एकदम सुहाना है, बादल भी हैं हल्के हल्के, और नीला आसमान भी साफ साफ दिख रहा है, सोचिए कितना अच्छा लगेगा आपको। ठीक यही चीज़ अभी मेरे साथ हो रही, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना शानदार सफ़र है। शुरुआत भले ही थोड़ी ख़राब रही हो, कुछ समस्याएं ज़रूर आई हों, बट जब वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा हो जब होना होता है तो बुरा भी ज़रूर होता है, और जब तक आपको
कष्ट नहीं होगा तब तक आप सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। सेम वही कंडीशन है, दोनों तरफ पहाड़ है, सामने भी पहाड़ है, मतलब तीन तरफ से मैं पहाड़ों से गिरा हूँ, बगल में नदी चल रही है जिसका पानी एकदम साफ है, नीचे उसके पत्थर भी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं छोटे छोटे, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, इसीलिए तो आते हैं लोग। तब भी पहुंच चुके हैं हम दुर्बुक, और दुर्बुक से तांगची है 8.2 किलोमीटर्स, और तांगची पेंगोंग 10 या 12 किलोमीटर और है, तो 11-20-25 रुपए की महंगी, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यार। ठीक है, मिलते हैं अभी आगे रास्ते में, अभी कुछ खा लेते हैं क्योंकि 3:30 बज रहा है, और कुछ खा पी के निकलते हैं आगे। चाय तो हो गई, अब चाय के बाद मैगी, 4 चाय 4 मैगी और 4 लोग, चतुश्चौरा, समझे गुरु। अब 4 ही हो गए, पंच परमेश्वर से 1 परमेश्वर तो भाग लिए, अब चतुश्चौरा, अब हम चोर हो गए। ओ हाँ, 200 रुपए का लंच हुआ अपना, और लंच में क्या हुआ, 4 चाय 4 मैगी बस, और 1 गिलास पानी नहीं पिए हो, 1 गिलास पानी, 4 लोगों को बताओगे कि अपना ही बताओगे क्या यार, तुम तो अभी चोरी करने लगे। ये देख लो, चलो पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब अभी भी 40 किलोमीटर दूर जाना है।